भारत के सबसे लोकप्रिय व्यापारियों में से एक रतन टाटा कभी अपनी जवानी के दिनों की तस्वीरों को शेयर करके सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी नारायण मूर्ति के द्वारा अपने पैर छुए जाने या फिर अपने किसी और अंदाज से वह सुर्खियां बटोर लेते हैं और लोग उनके कायल हो जाते हैं। और अभी कोरोना महामारी के दौर में उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान देकर लोगों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बना चुके हैं। आप रतन टाटा के बारे में कई बातें जानते होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी के कई ऐसे अन्य पहलू भी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको रतन टाटा, उनके व्यक्तित्व और उनके उपलब्धियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे जो जानने लायक है। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1935 में गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा के पिता नवल टाटा रतनजी टाटा और नवजबाई टाटा के गोद लिए हुए बेटे थे। इससे पहले नवल टाटा जेएन पेटिट पारसी अनाथालय में रहते थे। दोस्तों, रतन टाटा को अपनी दादी नवजबाई टाटा से बहुत लगाव था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तो 1940 में उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। मुंबई के कैप्सन स्कूल से रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद कैथेड्रल एंड जान कानन से इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कार्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में स्नातक की डिग्री ली। इन सब के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस आने से पहले रतन टाटा लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में जॉल्स और एमोस में थोड़े समय के लिए काम किया। रतन टाटा अपनी कैरियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से की थी। टाटा ग्रुप से रतन टाटा 1961 में जुड़े थे। दोस्तों, रतन टाटा टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में अपना सहयोग दे चुके थे। उसके बाद 1971 में इन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभावी निर्देशक का कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। 1991 में जेआरडी टाटा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और फिर रतन टाटा ने अपनी प्रतिभा के दम पर टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली भारतीय कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जो काफी सफल रही। दोस्तों, रतन टाटा ने अपनी कंपनियों के लिए कुछ ऐतिहासिक विलय भी किए, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर, जैक्वार, टाटा टी के साथ टेटली और टाटा स्टील के साथ कोरस शामिल थे। नैनो कार रतन टाटा की सबसे प्रिय परियोजना में से एक है। 2009 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाने का वादा किया जिसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपये होगी, और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने सपने को पूरा कर दिखाया और देश को नैनो के रूप में अपनी लकटकिया मिली। दोस्तों, रतन टाटा को कारों का बहुत शौक है। उनके पास फरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक एक्सएलआर, लैंड रोवर, क्रिसलर सेविक, होंडा सिविक, मर्सिडीज एस क्लास, जैक्वार एफ टाइप, इसके समेत बेहतरीन गाड़ियों का कलेक्शन है। रतन टाटा को फाइटर प्लेन उड़ाना बहुत पसंद है। वह एक कुशल पायलट भी हैं। रतन टाटा 2007 में F-16 फाइटर प्लेन उड़ाने वाले सबसे पहले भारतीय थे। 2010 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए 50 मिलियन दान दिए। रतन टाटा ने इस जगह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। यहाँ पर एक हॉल को टाटा हॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जेआरडी टाटा के जमाने से बॉम्बे हाउस, जहाँ आज का टाटा मुख्यालय है, वहाँ बारिश के समय में आवारा कुत्तों को शरण देने की परंपरा है। इसके रिनोवेशन के बाद बॉम्बे हाउस में अब आवारा कुत्तों के लिए एक कैनल बनाया गया है। इस कैनल में कई सारी सुविधाएं हैं, जिसमें कुत्तों को खेलने के लिए खिलौने आदि शामिल हैं। और रतन टाटा ने भी इस परंपरा को जारी रखा है। उन्हें भी कुत्तों से बेहद लगाव है। उनके पास 2 पालतू कुत्ते हैं जिनकी वह बहुत प्यार से देखभाल करते हैं। उनके कुत्तों का नाम टीटो व मैक्सिमस है। रतन टाटा ने अपनी पहली नौकरी टाटा स्टील में की थी, जो उन्होंने 1961 में शुरू की। उनकी पहली जिम्मेदारी ब्लास्ट फर्नेस और लाइम स्टोन की सप्लाई को मैनेज करना था। टाटा ग्रुप के अंदर
100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। टाटा की चाय से लेकर 5-स्टार होटल तक, सुई से लेकर स्टील तक, लखटकिया नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। चलिए दोस्तों, अब रतन टाटा की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। CNN इंटरनेशनल के टॉक एशिया प्रोग्राम के तहत एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे लाइफ में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी कारण से सिर पर सेहरा बंधते बंधते रह गया। वे बताते हैं कि अमेरिका में एक लड़की से हुआ था प्यार, और यह प्यार इतना ज़्यादा था कि शादी तक बात हुई थी, हालांकि अंत में शादी ना हो सकी। प्यार की इन चारों कहानियों में सबसे ज़्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा की अमेरिकन लड़की से जुड़ी है। रतन टाटा के अनुसार अमेरिका में हुए प्यार के बाद वे शादी करने वाले थे, उसी बीच वे भारत लौट आए। उसे भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत और चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वे भारत नहीं आ पाई, और कुछ साल के बाद अमेरिका में ही उसने किसी और लड़के से शादी कर ली। बता दें कि रतन टाटा अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, रतन टाटा बुक लवर हैं, उन्हें लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है, और कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने इस शौक को समय दे पा रहे हैं। उन्हें बचपन से ही कम बातचीत करना पसंद है, वे अपने सहयोगियों से भी सिर्फ औपचारिक बात ही करते हैं। दोस्तों, इनकी हॉबीज से ही पता चलता है कि इनके अंदर कितना कुछ दबा छिपा हुआ है। रतन टाटा अपने 75वें जन्मदिन पर टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले लिया था। रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण से और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज विश्व के 80 देशों में टाटा ग्रुप की कंपनियां मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुंबई में आतंकी हमले के दौरान इनके 5-स्टार होटल को निशाना बनाया गया, तब इन्होंने अपने कर्मचारियों की खुले हाथों मदद की। ताज होटल में हमले के बाद रतन टाटा खुद वहां पर पहुंचे थे। टाटा खुद घायलों के घर जाकर उनके परिजनों को भरोसा दिलाया। तब रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि आसपास हमले से प्रभावित हुए ठेले वालों की भी मदद की। दोस्तों, इन्होंने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया और रिटायरमेंट ले लिया, और इनकी जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दे दी। दोस्तों, रतन टाटा ने अपने रिटायरमेंट के अंतिम दिनों में ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोनी में भी निवेश किया। अभी रतन टाटा राष्ट्रीय व्यापार उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हैं। दोस्तों, रतन टाटा की जीवनी का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और रतन टाटा के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।